मिनिस्टर साहब अभी बिजी है, कल पक्का। सर मेरे पास आपके 100 कार्ड है। मैंने 1000 छपाए। हर हालत में रोकना ही होगा। सुबह सुबह रुचि नहीं दिखा रहा है। मूवी का नाम था सरफरा, एक ऐसी मूवी की कहानी जो कि ऑलरेडी से लोगों के सामने देखी गई थी। सरफरा से पहले हम अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिनकी 10 बड़ी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है लगातार 4 सालों में, जिसमें से एक ही मूवी चली थी। और अभी तो सिनेमाघरों में कल की भी चल रही है, तो ऐसे में सरफिरा का चलना कम्प्लीटली डिजास्टर साबित हो रहा है। पहले दिन की कमाई की बात की जाए तो पहले दिन मूवी ब्लॉकबस्टर की जगह कम्प्लीटली फ्लॉप चली है। सरफिरा के फ्लॉप होने के काफी कारण हो सकते हैं। एक तो ये रीमेक है, दूसरा रीजन ये है कि मूवी का जो बजट था वो काफी ज्यादा है। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होने के बावजूद लोग इस मूवी को देखने नहीं जाएंगे। मूवी को आज सिनेमाघरों में रिलीज किया जाता है, पहले दिन की बात की जाए तो पहले दिन तो मूवी कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही है। जो उम्मीद लगाई गई थी उसी के अनुसार चले, पहले उम्मीद थी कि मूवी 2 से 3 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेगी, तो वैसा ही हाल मूवी का होने वाला है। अब इनका टॉपिक सिलेक्शन गलत चल रहा है या क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता, लेकिन सरफिरा के पहले दिन के कमाई की बात करें तो वो 3 से 4 करोड़ रुपए के बीच में रहेगी। वही अगर सैटरडे की बात की जाए तो आज मूवी की कमाई बढ़ सकती है। सैटरडे को एक तरीके से तो यह है कि लोगों ने तारीफ की है मूवी की, क्योंकि मूवी की कहानी अच्छी है, उसके बावजूद अक्षय कुमार का जो रोल है वो भी लाजवाब है। तो ऐसे में आज के दिन मूवी की कमाई बढ़ेगी और 6 से 7 करोड़ रुपए के आसपास चलेगी। वही दूसरी ओर एक ऐसी मूवी आई थी साल 2024 की जो कि सबसे बड़ी मूवी थी, मस्ट अवेटेड मूवी थी, बनाने में 600 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। आज मूवी को सिनेमाघरों में 17 दिन हो चुके हैं और इन 17 दिनों में मूवी ने अनगिनत रिकॉर्ड बनाए। मूवी का नाम था कल्कि, प्रभास लिखने वाले थे, ऑब्वियसली लोगों ने देखा, काफी प्यार लुटाया और पहले वीकेंड में 414 करोड़ रुपए कमाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। दूसरे वीकेंड की बात की जाए तो दूसरे वीकेंड में कल्कि ने लगभग 124 करोड़ रुपए कलेक्शन किया था और अभी तीसरा वीकेंड चल रहा है, तो तीसरे वीकेंड के वर्किंग डे में तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। लेकिन अभी सैटरडे और संडे आ चुके हैं, एक बार फिर से मूवी की जो कमाई है उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर सैटरडे की कमाई की बात की जाए तो वो तकरीबन आप ये कह सकते हो कि 8 से 10 करोड़ रुपए के आसपास हिट करने वाली है। और कल्कि के सामने तो सरफिरा का चलना मुश्किल ही होने वाला है, क्योंकि सरफिरा एक ऐसी मूवी है जिसे लोग देखना कम पसंद कर रहे हैं। हालांकि प्यार काफी मिल रहा है, तारीफ काफी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग रुचि नहीं दिखा पा रहे हैं।